मम्मी ये देख मेरा न्यू बैग, ये देख। अरे सब खराब हो जाएगा। इंग्लिश विलो मम्मी, इंग्लिश विलो यार। क्या चीज है? इंग्लिश विलो मतलब महंगा बैट है, बता कितने का होगा? अभी तक देखो वीडियो नहीं आई ना यूट्यूब पे, इसलिए 2500 का। 2500? मम्मी महंगा है थोड़ा यार, तू देख दे इतना बढ़िया बैट है। तो पागल हो गया, इतना महंगा बैट से भी मारना ही है, सब खराब होते। तो देखियो तू इतना तेज से मारता है ना कि सब बैट खराब हो जाएंगे, इतना तेज से बॉल मारता है। अच्छा एक और गेस तो कर, कितने का होगा? 5000 का होगा। अरे एकदम एप्रोप्रिएट, एक्यूरेट। मैं तो ले उठा के देख, मम्मी देख नॉर्मल बैट और इन बैटों में ना फर्क ही होता है कि ये बैट इतना लाइट होते थे, हल्का नहीं है कितना, और उतना ही मजबूत है ये बैट। क्या साइन किया, कौन क्रिकेटर का? सौरभ गांगुली का साइन। और मैंने तो अब देखा यार, मतलब मैंने पहले भी देखा था, इधर देखा, ये देख इसमें मास्टर लिखा हुआ है, वो मास्टर बैटर का बैट है। ये कौन सेंस हो गया? इतना महंगा है इसीलिए उसका मास्टर लिखा हुआ है, देख लो यार बहुत सही है। पापा को दिखाते आओ ना, ऑडियंस को आज तक बताया क्यों नहीं कि मेरे पापा स्टेट प्लेयर से रिलेटेड में थे, जो पता भी है ये चीज? मेरे को पापा बताया भी नहीं कि कभी सब बतवा। चलो पापा को बैट दिखाते हैं। पापा ये देखिए मेरे नया बैट, अपने बताइए पापा कि आप क्रिकेट के क्या स्टेट प्लेयर थे ना? नो नो, स्टेट प्लेयर के साथ खेला मैंने, लेकिन मैं स्टेट प्लेयर नहीं था। फिर बोलिए पापा, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर थे मतलब? डिस्ट्रिक्ट प्लेयर बोलो। देखिए इंग्लिश फिल्म है, आज तक पापा ने मुझे कभी भी इंग्लिश फिल्म दिलाया था मैं तुम्हें बता देता हूँ। पापा सबसे पहला बैट याद है मेरा, एसएस का ही था, पर वो कश्मीर विलो था, मुझे याद है 1300 रुपये का बैट, मैं तो पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना। ये देखिए 500 का इंग्लिश विलो, मैच है ना मेरा अभी संडे, बताया था आपको, उसके लिए कपड़े वगैरह सब आ रहे हैं, मतलब फुल एक्साइटेड हूँ यार मैं। अच्छा है बैट, लग रहा है सही? एसएस तो अच्छा होता है ना। और पीछे भी देखिए मतलब नया डिजाइन आया है, देख रहे हैं कैसा, बहुत बेहतरीन है और काफी सही पंच भी है। पर पापा पब्लिक बोल रही है एक नए बैट से थोड़ी सी नॉकिंग आज या कल में कभी। अच्छा अभी तो सो रहे हैं, आज नहीं, लेकिन अगर ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगी कि पापा के साथ जरा हो जाए थोड़ा एक छोटा मोटा प्रैक्टिस मैच, तो हो सकता है घर के सामने खेल लेंगे नीचे। ज्यादा से ज्यादा ना कमेंट करो ठीक है, अभी तो देखो पापा थके हुए हैं, सो रहे हैं, तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं हम। बाकी ये देख लो, ये लूडो वाला था ना शायद गीला हो गया, तो इसलिए मैंने सुखाने के रखा हुआ है। बाकी मौसम चेक करो भाई आज का, देख रहे हो वेदर रिपोर्ट है, बारिश लिखी हुई आज की, पर ठीक है कोई नहीं। आज अपने को फरीदाबाद जाना है, और आज ओमनी से मिलने तो नहीं जा रहे, पर आज अपने को बहुत बेहतरीन एक शूट करना है, उसके लिए आ रहे हैं ठीक है। शूट करना मतलब तुम जानते हो ना वो वाला शूट नहीं, गाड़ी का शूट है ठीक है, और वो कौन सी गाड़ी क्या चाहिए तुम बताएंगे। और उधर से आते अपन सरिता विहार भी जाएंगे अंकुर भाई के पास, बलिनो को फुल तुम जानते हो अलग ही बना रहे हैं ना, तुम लोगों को याद होगा इंजन स्वैप जो था 1.6 सियाज इंजन डाल रहे हैं बलिनो में, तो समझ लो 50-70% काम हो गया है ठीक है। पर एक बार जरा ड्राइव करके देखेंगे, मतलब पॉप्स एंड बैंग बहुत कुछ कस्टम ट्यून वगैरह हुआ है गाड़ी में, तो उनसे मिलना भी है। अरे वाह आज मम्मी को बोलना नहीं पड़ा, खुद से बना दिया। मम्मी कैसे ये कैसे हो गया चमत्कार? बोलता है कि कभी अपना मन से बना दिया कर, इसलिए मन किया तो बना दे। बहुत बढ़िया, ऐसी संडे देख के अपने आप बना दिया कर यार। चल यार निकल लिए एक नए सफर पे, पर भाई जैसी मैं गाड़ी निकाल रहा था ना, मैंने निकाल दिया, क्या देखा ये एक टायर हवा में है भाई, मतलब पहले तो मुझे अपने आंखों में डाउट हो, मैंने किच्ची उच्ची साफ करी, आंखें बनाई मतलब मली अच्छे से कि नहीं यार ये देख रहा हूँ ये गलत है, ये सही नहीं सकता। फिर मैंने ध्यान दिया कि यार गाड़ी मतलब इतनी चढ़ा दी गई है कि यार एक टायर ही हवा में आ गया है, सो फनी सीन यार। और मेरी ऑडियंस से क्या हालचाल है, बढ़िया हो? ठीक हूँ मैं भी, ठीक हूँ, कुछ इतना भी खराब नहीं है ठीक है। आज संडे है भाई, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, एंड जस्ट मैंने अभी ना हेयर बैंड निकाला है, इसलिए बाल थोड़े अलग से लग रहे होंगे तुम लोगों को। और आज का सीन यार देखो, मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ ठीक है, एंड मैंने तो बताया गाड़ी का शूट है अपना, और हो सके तो अपन अंकुर भाई के पास भी जाएंगे उनकी बलिनो की टेस्ट ड्राइव लेने। अभी मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया तो नहीं, पता नहीं आज का क्या दिन है यार, आज मैंने दो तीन जगह और कॉल किया, किसी ने कॉल उठाया नहीं, होता ना कभी कभार बहुत एक बैड लग वाला दिन होता है कि यार जिसने आपको लगता है कि अरे आपकी इज्जत नहीं है क्या, चलो कोई नहीं इन लोगों को कॉल करने दो, इनको भी सेम फील कराना है फिर कभी नेक्स्ट डे। हाँ ये मजाक चलती रहती है। अच्छा मुझे ना तुम लोगों को एक बात बोल रही ठीक है, मैंने बहुत बार देखता हूँ यार, जैसे मैं किस टाइप का इंसान हूँ, मैं इस टाइप का इंसान हूँ कि यार एक यहाँ से बाल कैसे उठ रहे हैं यार, हल्के हल्के से ना अलग से लग रहे हैं। हाँ मैं इस टाइप का इंसान हूँ कि यार मैं ना बहुत सारी बातें तुम लोगों को यूँ भी बोलता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार भाई मैं तो ऐसा इंसान हूँ, ऑडियंस तुम लोग मानोगी नहीं, मैं तो ऐसा इंसान हूँ, कभी कभार ना वो चीज़ ना इसलिए बोलता हूँ कि मुझे वो चीज़ अपने अंदर चेंज लानी है, और अगर बोलूँगा नहीं तुम लोगों को ऑफकोर्स मतलब मेरी आदत थोड़ी वैसी है कि मैं पहले बोलता हूँ फिर मैं उस चीज़ पर धीरे धीरे अमल, मुझे याद रहती है कि अच्छा ये चीज़ समझो ना, बहुत टाइप की पर्सनैलिटी होती है मेरी, वो भी पर्सनैलिटी ठीक है।
तो ऐसे में ना बहुत लोग तुम्हें कॉकी समझते हो ना, ये कोई नहीं बोला कि भाई अरे ऐसे तो सारे ही मर्द कॉकी होते हैं, वो कॉकी नहीं, कॉकी मतलब जस्ट लाइक मैं बहुत कॉकी हूँ भाई, मतलब इसका मतलब ये कि यार ये क्या हाथ हिल रहे हैं मेरे, ऐसे ये हनी सिंह का जमाना थोड़ा चल रहा है अभी। हाँ यो एक फुल गलत एक यो हाँ, मतलब कॉकी का मतलब ये कि यार एटीट्यूड, अपनी अपनी बात करना, अपनी चलाना, डोमिनेंट, मतलब बात ये है कि यार इस चीज़ से लोगों को लगेगा तुम कॉकी हो, सिर्फ अपने आप बात करते हो, तुम ये तुम वो, पर उनको ये नहीं पता कि यार ऐसा चीज़ तुम बता रहे हो वो तुम में है थोड़ी बहुत, पर तुम्हें उसमें तुम्हें प्रॉपर वो चीज़ लाना है अपने अंदर ना, इसलिए तुम ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हो लोगों के सामने कि हाँ थोड़ा चेंज है, जितना बोलूंगा उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा, वही है इस चीज़ से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। एंड मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है ऐसा, कभी तुम सोच रहे हो कि भाई आपका कुछ हुआ है क्या, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ भाई, मैं तो बता रहा हूँ, वैसे तो कभी कभार हो जाता है ऐसे, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा ऐसा इंसान यार। और सबसे मेन तुम देख लो, पहली बात तो मौसम बहुत सेक्सी हो रखा है, ठीक है सेक्सी बोल सकता है चैनल पे, हाँ बोल सकते यार, मेरी गलत में टाइटल डालता हूँ मैं, सेक्सी टैक्सी फेक टैक्सी चलता है इतना तो, ठीक है 5:25 मतलब लगभग 5:30 बज रहे हैं, मौसम काफी सुहाना हो रहा है, हल्की फुल्की सी धूप है, एकदम माइन्यूट सी, पर तुम देख रहे हो मेरा शीशा कितना गंदा हो रखा है यार, भाई यार तुम लोग, एक तो मैं देख रहा हूँ पता नहीं तुम लोग भी क्या यार क्या करते हो तुम लोग ज्यादा से तो मुझे बोला करो ना कमेंट भाई सारे ब्लॉग में कि यार भाई डलवा लो पानी यार वाइपर में, कैसे गंदे शीशे में चल रहे हो, थोड़ा ताने जब तक दोगे ना तुम होगा नहीं मेरे अंदर यार ये चेंज ना। एंड मैंने ना अपनी पिछली ओमनी वाली वीडियो में जो मैंने ओमनी की अपडेट डाली थी उसमें एक तो मैंने तुम लोगों से कल बात करी थी ना कि तुम लोगों ने फुल अहद ऐसे कर दी शौकीन की, चलो शौकीन प्रो मैन दोनों भाइयों की, चलो तो चलो ठीक है चलता है, वो तो मैंने तुमसे बात शेयर कर ही ली है, पर मैं देख रहा था उस वीडियो में ना कुछ बंदों के कमेंट आ रहे थे कि यार भाई ये तो टेम्पोरेरी सी लग रही है, ये तो ऐसी लग रही है, ये तो वैसी लग रही है। मैं अब कुछ बंदे हैं ठीक है, वो कुछ ऑफकोर्स कुछ बंदे एक तो जानबूझ के लिखते हैं या तो कुछ बंदे को जेन्युइनली मतलब लग रही होगी वैसी, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा यार वही वाली बात है जो मैं हर बार बोलता हूँ ठीक है, पहली बारी मैं ऐसा कुछ काम करा रहा हूँ यार ठीक है, और मेरे को पर्सनली ना बॉडी किट वाला काम कराना था ओमनी में, अगर मैं नहीं भी कराऊँ ना भाई बॉडी किट का मैं बता रहा हूँ तब भी बहुत अच्छी लगेगी, मैं जानता हूँ कि अपने स्क्वायर वाली लाइटिंग के साथ ओमनी की साथ में मतलब काफ़ी सही रैप, और अगर मुझे कटवाने का हो सीन ओमनी में तो कटवा भी सकते हैं ओमनी को पीछे से, चलो तुम लोगों को मैंने टेस्ट वो दे दिया स्पॉइलर ठीक है, स्पॉइलर वो गाड़ी वाला स्पॉइलर नहीं मूवीज वाला स्पॉइलर जो बोलते हैं ना वो, तो चलो वो तो बात की बात है, पर यार मेरे को अभी फ्रंट ऐसा सही लग रहा है, एक बार तुम बनने दो थोड़ा सा धैर्य रखो बस ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, बनने दो एक बार ओमनी को यार, एक बार फाइनल लुक आन दो, अगर तब तुम्हें अच्छी लगे तब हम अगर मासेस को, अभी देखो कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई बढ़िया बन रही है, लोग पसंद आ रहा है, काफी लोगों को पसंद आ रहा है, पर अब वही है, अब मैं मासेस पे चलूंगा, मैं ये एक दो बंदे या फिर कुछ कमेंट, अब क्या ये कुछ कमेंट करने वाले ना जानबूझ के भी ऐसे कमेंट करते हैं, इनको पता है कि अच्छा पॉजिटिव साथ नेगेटिव चलती है, तो नेगेटिव कमेंट कर दिया उस पर पहले ही अपने खुद के लाइक मार दिए, 3 IDs से और लाइक मार दिए कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट वही देखेगा, फिर हेटेड फैलेगी, तो ऐसा प्लीज अगर कोई कर रहा है तो मत करो यार ठीक है, अच्छा नहीं लगता, तो मजे मिलते हैं इस चीज में, थोड़ी तारीफ वारीफ भी करते हो यार उम्र की, इतनी मेहनत लग रही है बनाने में, जैसे मैं शौकीन भाई हूँ लेकिन हाँ जो कि तुम समझ रहे हो, मैंने एक एपिसोड भी बना लिया, तुम लोगों को गाड़ी दिखाई भी नहीं जो गाड़ी आई थी, कोई नहीं इसके लिए तो मिहिर गर्ल चैनल सब्सक्राइब करना है, देखो यार व्लॉगिंग चैनल अलग है ठीक है, मिहिर गर्ल चैनल अलग है ठीक है, उधर बहुत हम नॉलेज वाली बातें इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं, साथ थोड़ी बच्चों की बनाते हैं कि मैं हूँ वो तो हो नहीं है ठीक है, पर दुख है मुझे कि अपनी इधर वाली ऑडियंस को मैं दिखा नहीं पाया, होंडा सिविक आई थी भाई Stage 2 रीमैप ठीक है, और टाइप आर किट के साथ बेहतरीन, अभी क्या है अभी नॉर्मल स्टॉक होंडा CRV लेके आ रहे हैं भाई, वही भाई हैं जिनकी होंडा सिविक है ना, दाढ़ी थोड़ी ज़्यादा हो गई है हाँ, थोड़ा मतलब ग्रूमिंग की जरूरत हो रही है, अब क्या बोलते हैं ये ऊपर से तो यार ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो मेरे फ़ोन में ना अभी बैटरी थोड़ी कम थी, तो भाई के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ यार, भाई मैं अपनी 2.2 की ऑडियंस को ना सिविक नहीं दिखा पाया यार, कोई नहीं वो तो मिहिर गर्ल पे भी छुड़ा देगा बोल रहा हूँ, बताया मैंने इनको, पर एक थोड़ा सा होता है ना कि यार वो सिर्फ बहुत बेहतरीन है ना, वो उसमें मॉड्स हो रखे थे, पर अभी हमारे पास गाड़ी बंद बोला था ना CRV आ रही है भाई ने, इसका जो बात बताई ना भाई लिटरली यार ये गाड़ी एक तो बंद हो गई बिल्कुल, तो बस सारी वही गाड़ी मुझे लगता है हाँ, सिविक भाई ने सबसे लास्ट गाड़ी उठाई थी, CRV सबसे आखिरी गाड़ी उठाई है बंद होने से पहले, और 28 लाख की गाड़ी है ये हाँ जी, और CRV फिर भी होंडा में SUV के सेगमेंट में CRV सबसे टॉप हो गई ना, कि पसंद भी लोगों को ज्यादा, तो CRV बिहार में बहुत देखता हूँ सड़क पर यार, पर मैंने कभी YouTube पे वीडियो नहीं देखी थी CRV ठीक है, तो मेरी गलत पे इसका एपिसोड भी आएगा अभी, चलो फटाफट से कुछ एपिसोड बनाते हैं। एंड सबसे पता है इधर ना क्रिकेट चल रहा है ठीक है, वहाँ बंदे फील्डिंग पे हैं और मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि यार मैं भी खेलूँ, पर वही उनका मैच चल रहा है अभी,
चलो अपना मैच भी होगा बहुत जल्दी, तुम जानते हो। भाई निकल गई अपनी सीआरवी लेके, चलो और फाइनली आज सरतेवार जा रहा हूँ मैं अंकुर भाई से मिलने, बात हो गई अपनी। तुम्हें बलिनो दिखाते हैं भाई, मतलब चलाएंगे ना तो मजा आने वाला है। तो यार ये अपनी बलिनो है, ठीक है, अंकुर भाई से मिलने आए। अंकुर भाई क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई। मैं देख रहा हूँ यार अभी देखो मिहिर गर्ल पे ना इसका हम एपिसोड बनाएंगे कभी आराम से अच्छे से, ठीक है, एनुअल से पहले। अभी इसमें एनुअल का हम दोबारा होगा नॉस का सेकंड। देखो स्टेजेस में काम हमने बात कही थी पिछली बार, हाँ। अभी इसमें उतना स्टेज हो गया कि एक वीडियो इसकी डेडिकेटेड अलग बनती है, क्योंकि देखो इस बार काम आपके सामने हुआ, अब हाँ। जो बोले काम नहीं हुआ फिर तो आके गाड़ी खोल लो। और एनएस वाले वक्त भाई मुझे लगता है हम जाके एपिसोड बनाएंगे, ठीक है। और नॉस के सीन पे जो हाइप थी तुम जानते हो, बोलने वाली बात नहीं है, सबको करारा जवाब भी देना है, ठीक है। पर अभी बहुत सारी अंदरूनी बातें और पता चली है, वो तो चलो हम बात करेंगे तुम्हारे सामने ही, लेकिन तुम देख लो गोल्डन क्रोम कॉर्न फाइबर रैप, और भाई बोल रहे फुल बॉडी पे ऐसे ही रैप होगा। हाँ, पूरी बॉडी पे होगा, बट ये एक्चुअली इसका रीजन है, हाँ? मेरी वाइफ का ना प्रैक्स क्रिएशन करके क्लोथ्स का है, अच्छा, ब्लैक एंड गोल्डन से, अच्छा, प्रैक्स क्रिएशन है। तो उसने मुझे कहा कि कार्बन फाइबर नहीं आता गोल्डन में, यार पता करता हूँ क्योंकि पता नहीं है लोगों को यार। फिर मैंने ये रैप करवाया, अच्छा। और ये रैप मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, अच्छा अच्छा लग रहा है यार, नो डाउट। और तुम देख लो अलॉयज चेंज है, तुम लोगों ने देखे ही थे, पीछे का बम्पर चेंज हो गया है, ठीक है, तुम देख लो कुछ ऐसा लुक आ रहा है ना, सही है वो, बस नया नया बम्पर है, इसे थोड़ा आंखों में चढ़ने में टाइम लगेगा। आपकी वो चीज कर दी मैंने पूरी, अच्छा ये वाला ना, हाँ ये देख कर रहा था ना बैठ के, हाँ ये देखो भाई ये पूरा यहाँ पे, और ये सब स्टिकर्स है, ठीक है, कोई रैप नहीं है, स्टिकर से पूरा कवर किया और अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी जो अंदर है, ठीक है, ये भाई लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि यार भरी भरी लग रहे, बड़ी बड़ी लग रही हो या क्या लग रही हो, पर ठीक है ये मेरे लिए अंदर की मॉडिफिकेशन। आपके छोटे भाई क्या छोटे भांजे ने, हाँ मेरे भांजे ने स्टार्ट करा था, पर मैंने कहा यार लगा। एंड प्लस मैंने एक चीज बताया, उस दिन मैंने ये सारे क्रोम करवाए थे आगे, कभी याद है पीछे का ब्लैक करवाया था, हाँ हाँ हाँ, मैंने पर्सनली खुद में वैसे खिलाफ था, बट मैंने पर्सनली चलाई, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई जेड ब्लैक में, नहीं जेड ब्लैक पीछे के में और आगे क्रोम में, तो मैंने हटा दिया, अच्छा फ्रंट का क्रोम हटा दिया, पीछे हाँ। का जेड ब्लैक हटा दिया। तो ये क्रोम क्या होता है भाई, जो ये है रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, हाँ शाइन दिख रहा है आपको भाई। अब ना देखो 1.6 सियाज इंजन इसमें लग गया है, ठीक है, प्रॉपर स्वाप हो गया है। पर उसके बाद जो हमने ये तो दिखाया था कि इंजन स्वाप हो रहा था, ये अपने ऑडियंस को पता भी होगा, उसका भाई पॉप्स एंड बैंग्स वो कस्टम मैप जरा वो, हाँ जरा बताओ ये। पॉप्स एंड बैंग ना इस इंजन की पावर कम कर रहा था, अच्छा। तो कुणाल ट्यूनर्स हैं, वेरी नोन ट्यूनर इन जीके, उनकी अच्छा। एस्टीम भी बहुत सालों से, वो इन चीज़ में बहुत सालों से ये फील्ड में, ओके, उनने इस गाड़ी के लिए कस्टम ट्यून करी है, कस्टम ट्यून हुआ है। और पॉप्स, सिर्फ पॉप्स, पॉप्स बैंग क्रैकल तीनों, अच्छा पॉप्स बैंग और क्रैकल, सुनाता हूँ, सुनाओ भाई सुनाओ, दिख रहा है हिल रहा है, हाँ यार फीलिंग मतलब वाइब्रेशन फोन पे एकदम पता नहीं लग रहा, लेकिन वैसे अरे भाई अब देखो तुम पहले भाई गर्म होश देखना, अभी पुश तो आ रहा है नो डाउट। अभी हमने यार थोड़ा सा सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ क्योंकि एक्चुअल मेन रोड नहीं है, ऊपर से यार कॉलोनी है, थोड़ा चलता भी यार इतना तो, हाँ और क्या, ठीक है ना, हाँ इतने वेल्वेट्रॉनिक के बगैर चला रहा था तो चलता ही है, समझ गया ना तुम लोग। बट देख लो पॉप क्रैकल बैंग तीनों चीज आपको सुनाई है, हाँ तीनों एक ही मैप में पॉसिबल कहाँ है, ये मीर गलत की ऑडियंस के लिए वाली बात है, ठीक है हम उनके लिए बचा के रखते हैं, कोई नहीं, ये मुझे पता है आप क्या अहम बात बता रहे हो, हाँ ये मैं उसी के लिए बचा रहा हूँ क्योंकि मैं बता नहीं चाह रहा एग्जैक्टली कैसे हुआ है, क्योंकि वो मस्ती है एपिसोड बताएंगे, कोई नहीं अभी थोड़ा सा हम इंजन गर्म कर रहे हैं, तो आप ये अपनी रोड आ गई है, ठीक है, 3000 आरपीएम, हाँ फ्रंट तो पुश, हाँ यार पुश तो है बकायदा, नो डाउट। अरे 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 यार इज दैट द सुप्रा, नो इट्स अंकुर बलिनो, सॉरी गाइस सॉरी, चलता रहता है इतना तो ना हम भी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं यार, हाँ यार क्यों नहीं भाई, तुम लोग बैठो ना इस गाड़ी में भाई फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, क्योंकि गाड़ी एक्साइट कर रही है, ये देखो गड्ढे भाई, वापस उस रोड पे लेना है फिर कैसे, आगे से घूम के फिर अच्छा। वापस उसी रोड पे, ये भी क्या हो रहा है सिस्टम पे, ये यार इसका कब से कराया ना, मैं बताता हूँ अभी ना ये इतना होगा, हाँ बस
अच्छा मतलब सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है? थोड़ा दिक्कत आ रही है यार, थोड़ा ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉनिक से खेल बदल करी। सी ठीक है 3000 RPM पार। ठीक है भाई यार, मैंने सियाज की वीडियो आई थी भाई, स्टेज टू ट्यून्ड। ठीक है आपको जो कस्टम है उसमें स्टेज वन स्टेज टू नहीं है ना ऐसे कुछ, ये टॉप इससे ऊपर नहीं है। हाँ मतलब ये टॉप का हो गया। ठीक है भाई लिटरली सेम फीलिंग, मैं शाउट दूंगा संभव भाई को जिसने मुझे सियाज भेज दी। ठीक है स्टेज टू ट्यून्ड सेम फील, ब्लू कलर ये मुझे सेम फील दी थी बलिनो वाला। ऑफकोर्स इंजन चेंज है तो सियाज का फील ही देगी, थोड़ा पर भाई इतना नया भी एक्सपीरियंस भी तो है ना कि आप बलिनो बैठ के ऐसा साउंड जब सुनते हो लगता है कि यार यार इज दैट द बलिनो, नो इट्स सियाज, सियाज का इंजन है। ये मैंने डाला फर्स्ट गियर। ठीक है भाई मैं तो कुत्ते की तरह चलाने वाला हूं इसे, अब मुझे पता लग गया ना इसका मैटर। आगे आगे गड्ढा है ध्यान से, ये गड्ढा है ना बहुत भाई, ये तो बीटी दे देता यार सच में भाई। मुझे लगता है आप जब से गाड़ी में काम हो उसका सब पहली बारी दे रहे होगी गाड़ी किसी को चलाने के लिए। ये बात तो सही है, है ना? बस बार आपकी और फटेगी अब तो। मेरी फटती नहीं है हाँ। क्योंकि इसके अंदर अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो आपकी बार फटेगी। हाँ मुझे पता है क्योंकि यहाँ लोग ना ऐसे होते हैं तो वो रोड्स पे आते हैं, सो देन यू हैव टू कीप इन माइंड ऑफ द रोड्स एज वेल, यू हैव टू कीप माइंड ऑफ द रोड्स एज वेल। एक्सीलरेट करके ब्रेक पे, आप ब्रेक भी ना दो, नहीं वो क्लच छोड़ दो। पॉप्स कैसे? क्लच छोड़ दो बस, ब्रेक मत देना, आप ब्रेक दो। कुछ पता नहीं लगा, बताओ यहाँ से कहाँ लो? यहीं लो, आपने ना बहुत हाई रेव दी। हाँ है ना? हाँ आई विल जस्ट आस्क यू यार, इसका सो सॉरी, इसको भाई हटाओ, इसको यार खत्म करो इस चीज को। नहीं आप नॉर्मल चलाओ, नॉर्मल नॉर्मल जैसे गाड़ी। हाँ नॉर्मल, हाँ ठीक है। फिर आपने रेस दी ना, मेरी आदत है, अब क्लच छोड़ दो। ठीक है रेस दो, बस रेस छोड़ दो। अरे यार क्या हो रहा है भाई? दबाना। अच्छा ठीक है रेस, अब एक बार रेस दो, छोड़ दो। अरे अच्छा ब्रेक, अच्छा भाई यार ये क्या बवाल है भाई, ये ना हम छोड़ देते हैं। अरे भाई अरे बस क्या बस, चलो अब डॉग्स आ जाएंगे, फिर डॉग्स को प्रॉब्लम होगी। आप जरा बताओ भाई, आपने अभी जब रिसर्च करी आपको पता चला कि यार इसकी चेसी जो है और बलिनो नॉस को नहीं झेल पाएगी, जो कि भाई मेरे को भी ना 2-3 बंदों ने कहा था, पर मुझे ये था कि यार आप संभाल लोगे, पर भाई आपको ये दिक्कत आ रही है, अब क्या करोगे इसके बारे में जरा ये बताओ ना। दो चीजें होती है मैं आपको बताता हूँ। हाँ नॉस या कोई सी भी गैस, मैं नॉस भी नहीं लूंगा, कोई भी गैस लूंगा, कंबस्टेबल गैस। हाँ हाँ सिलेंडर में प्रेशर से आती है। अच्छा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इसकी चेसी नहीं झेल पाएगी, आई नो इट। स्ट्रैंड्स गार्डर ये सब चीज़ें जो लगती है ना, जो हमारी स्टेबिलिटी करती है। मैंने टैनाबी के कॉइल ओवर्स मंगाए हैं स्ट्रेट फ्रॉम जापान। बलिनो का सीन तो हमने तुम्हें दिखाई दिया है ना, पर मुझे यहाँ पे ना हली गुली दिख गए। ठीक है तो हली गुली में ले रहा हूँ यहाँ पे, और क्या हाल चाल है भाई? ठीक है ठीक है, पब्लिक को बोल दो हेलो हेलो हेलो। यार हली गुली ना मिलते नहीं है इतनी इजली। ठीक है तो मैंने अपने लेना, यहाँ पे तुम देखो कितने हली गुली, ये देख लो दो हमने अभी के लिए लिए कि थोड़ा सा हो जाए, बाकी ये सब मैं पैक करा रहा हूँ। ये देख लो भाई अपने हली गुली का पैकेट आ गया है यहाँ पे, एंड नॉड़े दूर रह दूर रह दूर रह, और ये अपना प्यारे प्यारे मतलब बहुत सारे जितने फ्लेवर अवेलेबल सब ले लिए मैंने। ठीक है और नॉडी माय बॉय, यहाँ देख लो पब्बू भी आया पैसे मिलने, पब्बू जब भी मिलेगा परेशान। ये क्या ऑप्शन है यार, टाइमिंग सी एक मिनट, ये पता नहीं क्या हो गया यार, मम्मी ने गेट तो खोला पर मम्मी चली गई ऊपर अभी, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तुम लोग को टाइम दिखा देता हूँ, तुम देख लो यार 12:20 हो रहे हैं। ठीक है अभी तो पूछना सही नहीं होगा, मम्मी से कल सुबह पूछता हूँ कि यार ये क्या सीन है, क्योंकि एक ना दवाई है जो हम इसको रेगुलर लगा रहे हैं अभी, पता करते हैं कोई नहीं। चलो फाइनली वीडियो एंड करते हैं, देखते हैं चलता रहता है, इसको तो घर पे आ रहा है। ठीक है लाइक सब्सक्राइब 30,000 ठीक है, तुमसे बोलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ठीक है मैं आवाज़ छोटे मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो तक के लिए, गुड बाय, साइनिंग आउट।